दीदी आप खुद तो डूब ही रही हैं, साथ में दूसरों को भी डुबा रही हैं। और एक बात बताओ, जो आप ये दूसरों को इतना ज्ञान बांटती फिरती हो, खुद पे भी थोड़ा अप्लाई कर लिया करो यार। और इतनी घटिया आपने मूवी बनाई है कि पीवीआर वाले हाथ जोड़ कर कह रहे कि कंगना दीदी अब बस करो, अब और नहीं दिखा सकते हम आपकी मूवी। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी चैट गर्ल। अरे कंगना दीदी की मूवी तेजस आई थी, नहीं पता? अरे यार फिर से बता देती हूँ, मूवी का नाम तेजस था। अब दो बार बता दिया, याद रख लीजिएगा। देखो ये बॉक्स ऑफिस पर कब आई कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला, और इतना ज्यादा घाटे में गई है ना ये मूवी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसके साथ साथ कंगना दीदी को तो नुकसान हुआ ही है, साथ में इस फिल्म के प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला को भी बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, और उसके इम्पैक्ट आगे देखने को मिल ही रहे, कैसे बताऊंगी आज के इस वीडियो में। देखो भाई साहब, रॉनी भैया ने कंगना दीदी पर इसलिए पैसा लगाया था कि सुर्खियों में रहती है, फैन फॉलोइंग है, मूवी अच्छा खासा अपना बजट तो निकाल ही लेगी, थोड़ा प्रॉफिट कमा देगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भाई साहब तनु वेड्स मनु के बाद इन दीदी ने कोई भी मूवी हिट क्या कुछ भी नहीं दी है, उसके बाद से दीदी फ्लॉप होती जा रही है। मणिकर्णिका हमारे पास एक एग्जाम्पल है, रंगून हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और कट्टी बट्टी, थलाइवा और अब तेजस, ये सब ढेर हो चुकी हैं बॉक्स ऑफिस पर, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है रॉनी स्क्रूवाला और ईशान खट्टर को। अब आप पूछोगे सुहानी इसमें ईशान खट्टर कहां से आ गया, बताती हूँ, थोड़ा सबर करो यार। देखो यार, रॉनी स्क्रूवाला ने थोड़ा टाइम पहले दो स्टोरीज अनाउंस की थी, दो मूवी अनाउंस की थी कि वो तेजस और पिप्पा जो कि ईशान खट्टर के साथ लाने वाले थे। उन्हें लगा था कि कंगना दीदी तो है ही बड़ी स्टार, ये मूवी तो चली जाएगी, और जैसे ईशान खट्टर के पुरानी मूवीज थी उन्हें लगा था कि ये भी भैया बड़ा एक्टर बन ही जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हालात बदले वैसे अब इनके डिसीजन भी बदल चुके हैं। तो भैया पिप्पा जो है 75 करोड़ के बजट में बनी है, और इन महाशय ने रॉनी भैया ने इस मूवी को घाटे में अमेजोन प्राइम को बेच दिया है। ये सिर्फ अब ओटीटी पर रिलीज होगी और 10 नवंबर के आसपास आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो मुद्दा यह है कि इस पर रोनी भैया कहते क्या है कि मैं इस मूवी को ओटीटी पर क्यों नहीं रिलीज कर रहा हूं, वो भी आपको बताती हूं। रोनी भैया कहते हैं कि हमारे यहां की ऑडियंस अभी इस टाइप की मूवी देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अरे एक मिनट, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान करती हूं। मतलब ये सही है, तुमसे खुद से अच्छे से पिक्चरें ना बन पाए और बिल आप जनता पे फाड़ दो। मतलब एक बात बताओ, खुद सुनते हो जो कहते हो एक बार? क्या आपको बताया कि हमारी ऑडियंस डार्क और मनी हाइस्ट जैसी वेब सीरीज भी देखी है, इन्होंने मिर्जापुर पाताल लोक असुर जैसी वेब सीरीज भी देखी है। तो आप पैसा सही जगह पर लगाओ, ऑडियंस तैयार बैठी है आपका हर टाइप का कॉन्टेंट देखने के लिए। तो रॉनी भैया, दूसरों पर बिल फाड़ना आप थोड़ा सा बंद कर दीजिए, और इन सब के बीच में कंगना दीदी कह रही है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। भाई साहब अवार्ड लेती हुई घूम रही है दीदी। कंगना दीदी, मुझे तो बस आपसे इतना पूछना है कि आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? मतलब इतने लंबे टाइम से आप फ्लॉप होती जा रही है, बॉलीवुड में आपको कोई पूछ नहीं रहा है, उसके बावजूद भी आप अवार्ड लेने के लिए इतनी अच्छे तरीके से कैसे जा सकती हो, और इंस्टाग्राम पर आकर आपको अपील भी करनी पड़ती है अपनी मूवी देखने के लिए। क्या कंगना दीदी, मुझे तो लगता है कि अब आपके बॉलीवुड में दिन पूरे हो चुके हैं, अब आप जो अपना दूसरा प्रोफेशन जमाने की कोशिश कर रही हो ना, सही जा रहा है वो, थोड़ा और शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा। बॉलीवुड में नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, वहां कर लो, वहां आपका करियर सेट हो जाएगा। चलो छोड़ो यार, अब इससे ज्यादा क्या ही तवज्जो दूं कंगना दीदी को, गलती से अगर उन्होंने ये वीडियो देख लिया तो 2-4 ट्वीट मेरे नाम के भी कर देंगे, निकल लेती हूं मैं यहां से। बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप फिल्मी चैट गर्ल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।